कुछ बातें आजकल दुनिया में बहुत चर्चा में चल रही है। एक तो रूस यूक्रेन का युद्ध, दूसरा स्वीडन, तीसरा जो बाइडेन की धमकियां और चौथा श्रीलंका की माली हालत। और भारत इन सब में न्यूट्रल की भूमिका में है। और बात हो रही है श्रीलंका की, तो बताते चले कि श्रीलंका का जो मार्केट दुनिया में था वो अब टूटने लगा है और उसकी जगह केवल भारत ही ले सकता है। और भारत ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। दरअसल आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका निर्यात के मोर्चे पर पिछड़ता हुआ जा रहा है और उसका फायदा भारतीय निर्यातकों को मिल रहा है। भारतीय कपड़ा निर्यातकों को ब्रिटेन, यूरोपीय संघ के देशों से ज्यादा ऑर्डर मिलने लगे हैं। यहाँ तक कि अब उन देशों से भी ऑर्डर मिलने लगे हैं जहाँ भारत में बने कपड़ों की मांग कम थी या फिर वहाँ भारतीय कपड़ा निर्यात ही नहीं होते थे। यानी कि अब वक्त ने करवट ले ली है और भारत को दुनिया में जगह बनाने में इससे मदद मिलेगी। बता दें कि श्रीलंका के निर्यात में टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री की हिस्सेदारी करीब करीब आधी है, मगर आर्थिक संकट और फूल की कमी की वजह से यहाँ के उद्योग बिजली कटौती की भयंकर मार झेल रहे हैं। इससे उनका उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। बता दें कि श्रीलंका के निर्यात में गारमेंट के बाद चाय उद्योग की बड़ी हिस्सेदारी है और दोनों उद्योग इस समय उत्पादन संकट से जूझ रहे हैं। यही वजह है कि विदेशी खरीदार अब इन दोनों उत्पादों के लिए भारत का रुख कर रहे हैं। बता दें कि विशेषज्ञों के मुताबिक श्रीलंका का अपैरल और गारमेंट्स प्रोडक्ट्स भारतीय प्रोडक्ट से मिलता जुलता है, इसलिए भी विदेशी आयातक भारत को ज्यादा तजव्वो दे रहे हैं। भारत श्रीलंकाई गारमेंट के विकल्प के रूप में उभर सकता है क्योंकि भारत कम लागत पर उसी तरह के उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकता है। वहीं US इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक श्रीलंका के कुल निर्यात में परिधान निर्यात की हिस्सेदारी लगभग 44% और मैन्युफैक्चरिंग जॉब इस उद्योग का हिस्सा 33% है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के पास कितना बड़ा मौका है जिससे वो आसानी से पूरा कर सकता है। श्रीलंका की माली हालत का जिम्मेदार चीन है और चीन की करनी का ही फायदा भारत को मिल रहा है। यहाँ देखा जाए तो चीन ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है जिसका फायदा अब भारत को मिलने वाला है।